शनिवार को पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी कल्याणी बरकड़े ने ऑफिस पहुंच अपनी आमद दर्ज करा दी। आपको बता दें, पिपरिया एसडीओपी अजय बाघमारे का कम समय में ही बालाघाट जिले में स्थानांतरण हो गया। इनकी जगह पर अब पन्ना जिले से कल्याणी बरकड़े को पिपरिया विधानसभा की कमान सौंपी गई है। पदभार ग्रहण करने से पहले हनुमान मंदिर पहुँच पूजा अर्चना की। पिपरिया के पत्रकारों ने उन्हें शहर की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। इसके जवाब में प्रकरण ने बताया कि पचमढ़ी मेले की शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, पिपरिया शहर में चोरी की वारदात को रोकना, यातायात व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने जैसे कई प्राथमिकताएं हैं। को लेके क्या कानून व्यवस्था लेके क्या करेंगी आप? मैं कल्याणी बरकड़े, एसडीओपी पिपरिया के रूप में मैंने ज्वाइन किया है आज दिनांक 12 अगस्त 2023 को। मेरी प्राथमिकता अभी आपको पता होगा, जैसे पचमढ़ी में मेला लगा है तो प्रथमता तो मेरी प्राथमिकता यही है कि पचमढ़ी का मेला जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो। और जैसे कि आपको जानकारी होगी कि राज्यपाल महोदय भी आने वाले हैं 15 अगस्त को, तो वह कार्यक्रम भी शांतिपूर्वक जो है सफल हो। इसके उपरांत जो है मैं थानों में देखना चाहूँगी किस तरीके की क्राइम है, और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम कंट्रोल कर सकें। जी मैम, पिछले समय पिपरिया में मतलब चोरियां बहुत हुई हैं, क्या इस विषय पर ज़्यादा ध्यान रहेगा क्या? बिल्कुल निश्चित ही मेरा प्रयास यही रहेगा कि चोरी के अपराध को जितना हो सके हम उसमें नियंत्रण ला सकें, और जो भी चोरी के अपराध हैं अभी के जो पेंडिंग है उनका भी हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी आप आई हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था को आपने देखा होगा कि बहुत ही लचर ट्रैफिक व्यवस्था है, और इसके लिए पूर्व में रहे एसडीओपी साहब जोशी जी ने बहुत मेहनत की, टीआई साहब का भी अच्छा कार्यकाल रहा, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आप कुछ करें? ट्रैफिक व्यवस्था को निश्चित ही हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।